हेलो एवरीवन, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है तो अब घरों में मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई है। तो चलिए फिर हम भी कुछ ना कुछ बनाते हैं। और आज बनाई है मैंने सूजी और बेसन की ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी और सॉफ्ट सी बर्फी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी है, क्योंकि ये घर की चीज़ों से बनी है, घर के सामानों से बनी है। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें डाल दिया था 2 चम्मच भर के डाल दिया था घी। अब इसमें लगभग आधी कटोरी डाल देंगे हम सूजी और इसको हम लो फ्लेम पे ही भूनना शुरू करेंगे। देखिए गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और सूजी को हम भूनना शुरू करेंगे। ज़्यादा नहीं भूननी है, लगभग 1 या 2 मिनट तक ही हम सूजी को भूनेंगे। देखिए जब ऐसे बबल से आने लगेंगे बस उतना ही हम सूजी को भूनेंगे। अब डाल देते हैं हम इसमें बेसन। पहले मैंने 1 कटोरी बेसन डाल दिया है, इसको थोड़ा सा चला लिया यानी कि मिक्स कर लिया है, और फिर बचा हुआ 1/2 कटोरी भी इसमें बेसन मैंने ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और बेसन को, और लो फ्लेम पे इनको हम भूनना शुरू करेंगे। देखिए ऐसा। अब घी की मात्रा थोड़ी सी कम लग रही है तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है और इनको अब लो फ्लेम पे ही भूनना शुरू करा है। देखिए बेसन थोड़ा सा ना हल्का सा दिखने लगा है। देखिए जब थोड़ा सा भुन जाता है बेसन तो ऐसा हल्का सा हो जाएगा। अब हम लगभग 2 चम्मच गरम दूध ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा बर्फ़ी का कलर अच्छा दिखने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है, ताकि जो हमारे बर्फ़ी का कलर है बहुत अच्छा सा आए। अब जो बेसन भुना हुआ रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम ये दूध ऐड करेंगे, और गैस का फ्लेम लो ही है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ताकि जो हमारे बेसन और जो सूजी है वो एकदम दानेदार बन सके। सारा दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दिया, देखिए ऐसे, और जो देखो हमारा जो बेसन है वो दानेदार बन गया है। इसको बस चला देंगे। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अभी कढ़ाई एकदम गर्म थी इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं ऐसे ही, नहीं तो नीचे से थोड़ा सा लग सा जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर के, थोड़ा इससे अच्छा टेस्ट आएगा और बर्फ़ी में थोड़ा रिचनेस भी आ जाएगी, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। अब बनाएंगे हम चाशनी। ले लिया था 1 पैन, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी पानी, और इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब 1 उबाल आ जाए तो इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हम सिंपल सी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तब तक हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम जिसमें हम सेट करेंगे बर्फ़ी वो हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। ले ली थी मैंने ऐसी एक प्लेट जो गहरी वाली थाली होती है वो, उसमें लगा दिया घी ताकि बाद में टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने पहले से तैयार कर ली। इधर चाशनी बन के हो गई थी तैयार। अब जो बेसन बना के रखा हुआ था, बेसन तो ठंडा है लेकिन चाशनी हमारी गर्म है, इसलिए हम गैस ऑन नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके इसमें चाशनी ऐड करते जाएंगे। देखिए जैसे मैं ऐड कर रही हूँ वैसे ही, और बस अब हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए कितना आसान है ये बेसन और सूजी की बर्फी बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल ईजी रेसिपी है, ईजी प्रोसेस है। आप भी इसको ट्राई करिएगा ज़रूर, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और बस ऐसे धीरे धीरे हम, जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी ना चाशनी, देखे गैस बिल्कुल ऑन नहीं किया था और ये देखो ऐसा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। ये कढ़ाई को छोड़ने लगा था, बस इतना ही हम इसको मिलाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में सेट हो जाएगी। अब जो हमने प्लेट तैयार करके रखी हुई थी, ये मिक्सर हम उसमें बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे इवनली पूरी तरीके से, जैसे हम बर्फ़ी सेट करते हैं वैसे। देखे मैंने ऐसे 1-2 मिनट लगा कर अच्छे से सेट कर दिया और ये बर्फ़ी की सेटिंग होने के लिए तैयार हो गई। अब इसमें हम ऊपर से इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम से, देख, और थोड़ा सा इसको दबा से देंगे ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब थोड़ा सा ये जो सिल्वर वर्क है उसको हम लगा देंगे ताकि जो हमारी ये स्वीट है बर्फ़ी और ज़्यादा दिखने में अच्छी लगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो लगाइए, नहीं हो तो भी टेस्ट वही आएगा और खाने में बर्फ़ी तो लाजवाब लगेगी एकदम। अब थोड़ा सा मैंने इसमें कट लगा देती हूँ ताकि ये जब सेट हो जाए तो अच्छे से इसके पीसेस निकल सके। तो जब तक मैंने ये ड्राई फ्रूट और ये चांदी वर्क लगाया था उतने में थोड़ी सी सेट हो गई थी, और मैंने इसमें स्क्वायर के कटिंग के इसमें कट लगा दिए थे, सारे कटिंग करके पहले से ही सेट कर दिए और फिर इसको सेटिंग होने के लिए छोड़ दिया 1.5 घंटे के लिए। अब 1/2 घंटे के बाद ये बिल्कुल बर्फ़ी सेट हो चुकी थी। अब जो पीसेस हमने पहले से ही कट लगा रखे थे उनको ही हम एक बार और चाकू चला लेंगे ताकि पीस हमारे बढ़िया से निकल जाए। देखिए मैं ऐसी कटिंग कर ले रही हूँ,
और बस इसके अब निकालते हैं हम अलग से पीस। देखिए बर्फ़ी का पीस कितना अच्छा निकल के आ गया है। और ये हमारी सूजी और बेसन की बर्फ़ी हो गई है तैयार बनके। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों बड़ों सबको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। और रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।